जय हिंद। द जुपिटर क्लासेज के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के चैप्टर 4 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, यानी कि किसके द्वारा, यानी कि गतिशील आवेश के द्वारा क्या उत्पन्न होता है। तो देखिए, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, पहला ऑप्शन है केवल विद्युत क्षेत्र जिसको ई से सूचित किया जाता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र जिसे बी से सूचित किया जाता है, सी ऑप्शन में है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों कह रहा है, एवं डी ऑप्शन में है कि ई एवं बी यानी कि वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से कोई नहीं। तो बता देते हैं कि जब आवेश जो होता है रेस्ट रहता है, रेस्ट यानी कि विराम, यानी कि जब रुका हुआ अवस्था में रहेगा, तो वहाँ पर केवल उत्पन्न होता है वैद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न होता है? केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन अगर आवेश अगर गतिमान है, आवेश गतिमान कहाँ रहेगा? तो किसी चालक में। चालक में आवेश अगर गतिमान है, आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन अगर गतिमान है, तो वहाँ पर दोनों उत्पन्न होता है, ई यानी कि वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। जहाँ आवेश रहेगा, जहाँ पर आवेश होगा, वहाँ पर उत्पन्न होगा। एक चीज़ तो एकदम फिक्स है कि वैद्युत क्षेत्र होगा ही होगा, लेकिन जब जब आवेश रुका हुआ रहेगा तो केवल ई होगा, और आवेश जब मोशन में आ जाएगा, मूव करने लगेगा, मोशन में आ जाएगा, मोशन मतलब गति में आ जाएगा, तो समझ जाना है कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो इसका अब जवाब आप लोग दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब अगला दूसरा सवाल है, ध्यान से देखेंगे। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, दूसरा सवाल है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है गतिमान आवेश के द्वारा, बदलते वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, ए तथा बी दोनों के द्वारा, नॉट, इनमें से नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गतिमान आवेश के द्वारा तो बता ही दिया गया है कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, गतिमान आवेश के द्वारा तो उत्पन्न किया जा सकता है, ये तो ऑप्शन एस ठीक है। बी भी देख लेते हैं, कह रहे हैं कि बदलते वैद्युत क्षेत्र के द्वारा। वैद्युत क्षेत्र बदलने का मतलब क्या है कि जब आवेश रुका रहेगा तो इसके अगल बगल चुंबकीय जो वैद्युत क्षेत्र होगा, बात को समझिएगा ठीक है, कि जब आवेश रुका रहेगा तो जो जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह अगर देखा जाए तो जहाँ जितना रहेगा उतना ही रहेगा, लेकिन जब आवेश चलने लगता है, मूव करने लगता है, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगता है, तो इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, चाहे यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो अब देखिए जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ हो रहा था वह परिवर्तन हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र परिवर्तन होने का मतलब है बदलते वैद्युत क्षेत्र, यानी कि जैसे ही वैद्युत क्षेत्र बदलेगा, यानी कि जिसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है आवेश के द्वारा, वह गति में होगा, तभी जा करके वैद्युत क्षेत्र बदलता रहेगा। अब वैद्युत क्षेत्र बदलेगा तो भी क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसका भी राइट आंसर जो है वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, गतिमान आवेश के द्वारा आप बदलते वैद्युत क्षेत्र के द्वारा। आवेश बदलेगा तभी वैद्युत क्षेत्र बदलेगा, आवेश बदलेगा कह रहे हैं, आवेश जब एक जगह से दूसरे जगह अपना स्थान बदलेगा तो वैद्युत क्षेत्र भी बदलेगा, और जैसे ही वैद्युत क्षेत्र बदलेगा तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। वैद्युत क्षेत्र और इस तरीका से भी बदल सकता है, आवेश की मात्रा को घटा करके और आवेश की मात्रा को बढ़ा करके, तुरंत घटाएंगे तुरंत बढ़ाएंगे, तुरंत घटाएंगे तुरंत बढ़ाएंगे, तो इस तरह से उस बिंदु के अगल बगल जो होगा वैद्युत क्षेत्र बदलते रहेगा और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो हम आवेश को हटाएंगे फिर रखेंगे, आवेश को हटाएंगे रखेंगे, तो वहाँ पर समझ में आ रहा है आवेश गति में हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए आवेश को गति में होना बहुत ही जरूरी है, मतलब आवश्यक है। अगर आवेश गति में नहीं रहेगा
तो वहाँ पर केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। अब देखिए तीसरा सवाल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र के मतलब बी, चुंबकीय क्षेत्र के मतलब बी। रुक जाइए, गाड़ी की आवाज़ आ रहा है। चलिए देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है यानी कि डी बी कहिए चाहे केवल बी कहिए, कह रहा है कि चुंबकीय जो क्षेत्र उसकी तीव्रता होता है उसका मात्रक क्या होता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसका क्या होता है मात्रक? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चौथा सवाल है, बायो सेवर्ट का सदिश रूप, एक नियम है बायो सेवर्ट का, कभी कभी बुक में मिलेगा आपको बायो सेवर्ट, तो इसका जो एक नाम सुने होंगे ओस्टर्ड का, ओस्टर्ड का नाम सुने होंगे, ओस्टर्ड एक वैज्ञानिक था जो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित अपना एक नियम दिया था, और उसी से संबंधित बायो सेवर्ट ने भी अपना एक नियम दिया था, और ओस्टर्ड और बायो सेवर्ट दोनों जो नियम है वह कब दिए थे? 1820 ईस्वी में। कब? 1820 ईस्वी में। तो बायो सेवर्ट का सदिश रूप, बायो सेवर्ट जो सदिश स्वरूप है वह कौन सा है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है। तो देखिए, बायो सेवर्ट का नियम जो कहता है कि एक कोई अगर धारावाही चालक है, धारावाही चालक तार है और उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है आई, ठीक है, अगर इसकी लंबाई दिया है एल और छोटे छोटे पीस में बांट देंगे तो छोटे अल्पांश के लिए, ठीक है, तो उसके लंबाई को हम लोग छोटे छोटे भाग को कह देंगे डी एल, और किसी बिंदु पर हमको बताना है, उससे एक दूरी ले लेते हैं आर, इस दूरी पर हम लोग को बताना है चुंबकीय क्षेत्र बी का मान, वो भी किस में? सदिश रूप में। किस में बताना है? सदिश में बताना है, ठीक है। तो इसका तो बताया गया है, लेकिन एक बार देख लीजिए, यहाँ जो कोण बनता है वह थीटा होता है और यहाँ पर बताना है बी का मान कितना होगा, तो आपको बता देते हैं कि एल है। एक छोटा सा टुकड़ा के लिए हम लोग ज्ञात करेंगे, पूरा लंबाई के लिए नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा के लिए, और पूरा लंबाई के लिए रहेगा तो उसको बी कहेंगे, छोटा टुकड़ा के लिए किया जाएगा तो उसको डेल्टा बी लिखा जाता है। तो डेल्टा बी का मान, अब समझिए कि जितना धारा अधिक जाएगा उसके समानुपाती होता है, उसके समान यानी कि आई के समानुपाती रहता है, जितना लंबाई में रहेगा उसके भी क्या होता है? समानुपाती होता है, और जो थीटा कोण है उसके साइन थीटा रूप, यानी कि साइन थीटा जया, इस साइन को क्या बोलते हैं? जया यानी कि जो यहाँ पर कोण होगा जया के समानुपाती होता है, जया के समानुपाती हो जाता, जो कोण बनता है उसके जया के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण है तो साइन थीटा में रख कर देंगे, समानुपाती का मतलब अगर थीटा का मान जितना अधिक होगा तो साइन थीटा में उसका मान उतना ही अधिक आता है, थीटा बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, ठीक है, तो यह समानुपाती होता है, उसका मान इस पर निर्भर करता है, थीटा पर इसका मान निर्भर करता है, जितना थीटा का मान अधिक होगा बी का मान बढ़ेगा यानी कि समानुपाती होगा, आई पर समानुपाती, एल पर समानुपाती, साइन थीटा पर समानुपाती यानी कि थीटा पर समानुपाती, लेकिन आर पर क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, जैसे जैसे दूरी बढ़ता है बी का मान क्या होता जाता है? घटते जाता है, तो इसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, और वह भी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उसको सदिश रूप में रखते हैं तो हो जाता है म्यू नॉट बटा 4π, और उसका जब सूत्र सिद्ध किया जाता है तो वह आता है म्यू नॉट बटा 4π आई डी एल क्रॉस आर बटा, अब इसको जो होता है नीचे क्या होता है? आर स्क्वायर नहीं आर क्यू होता है, जब आईडीएल साइन थीटा होता है, आईडीएल साइन थीटा होता है, लेकिन जो कोण बनता है वह डीएल और आर के बीच में बनता है, इसलिए आईडीएल साइन थीटा होता है, आर नहीं होता है, ठीक है, म्यू नॉट बटा 4π ऐसे होता है, आईडीएल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसको साइन थीटा को हटा दिया जाता है और जो कोण बन रहा था वह आई और आर के बीच में बनता है, इसलिए एल एक आई कह रहे हैं, एल और आर के बीच में बनता है, तो डीएल क्रॉस आर साइन थीटा के जगह पर हो जाएगा, क्रॉस का प्रयोग कर देंगे नीचे को आर क्यू बढ़ा देते हैं, क्योंकि आर को वह केवल सदिश रूप में लिया गया है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो क्या होता है? आई डीएल आर आर क्यू।
ठीक है, और इसमें क्या होता है आर स्क्वायर, ये अदिश रूप है और ये क्या है सदिश रूप है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। आप लोग पढ़े भी होंगे तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए आज का पांचवा सवाल है, बायो सेवर्ट या बीओ सेवर्ट, ठीक है, नियम के अनुसार धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश से उस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अल्पांश से उस बिंदु की दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो यहाँ पर हम देखिए अभी चर्चा कर दिए, अभी यहाँ पर बता दिए कि उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन उसके धारा उसमें उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा और चालक की लंबाई और दूरी यानी कि जो दिया है दूरी और धारावाही चालक के बीच में जो कोण बनता है उसके जया के समानुपाती होता है, लेकिन उसके लेकिन तार से जो दूरी होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी हो, ये हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग का अगला प्रश्न है 6 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन कौन होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक सबसे पहले याद कर लीजिए कि एक होता है टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला, और उसके बाद होता है दूसरा याद भी करना पड़ेगा वेबर, डब्ल्यू बी से वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और एक तीसरा होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तीन होता है। और ये जो एम्पियर न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है यह नहीं होता है, कि टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और डी न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, यह नहीं होता है। तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, यह नहीं होता है, लेकिन हम लोग को ये वाला याद रखना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो ये वाला नहीं है, नहीं से क्या मतलब है, हम लोग को जो होता है वह याद रखना है, और वह है टेस्ला, दूसरा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। समझ में आ गया, तो इसको याद रखेंगे। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है, चुंबकशीलता का विमीय सूत्र है। तो इसमें हमको बताना नहीं है, क्योंकि विमीय सूत्र निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला बता दिया गया है, विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, उसको पहले मूल राशि में ले जाए, अगर आपको बेसिक से सीखना है तो सब बताए हैं बहुत बार, पीछे वाले वीडियो में जा कर के देखिए, ठीक है, या फिर जो पढ़ाया गया है क्लास में उसको रिवाइज करिए। चुंबकशीलता का विमीय सूत्र, ऐसे ये जो विमीय सूत्र होता है वह 11th क्लास का चैप्टर में सिखाया जाता है। चुंबकशीलता का विमीय सूत्र क्या है, तो आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, MLT^-2 A^-2, ठीक है। अब देखिए, या फिर इसको करेंगे, ठीक है, अब देखिए इसको देखेंगे, म्यू नॉट ई नॉट माइनस 1/2 के, म्यू नॉट ई नॉट के पावर माइनस 1/2 का मान है 3×10^8 कूलम सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और दूसरा है 3×10^10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सब सेंटीमीटर में है, आएगो किस में है, किलोमीटर में। तो आपको बता देते हैं कि म्यू नॉट ई नॉट, और इसका मतलब होता है 1/2, म्यू नॉट इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और इसको ऐसे लिखने का मतलब 1/√μ0E0, ठीक है, और ये जो होता है वह C के बराबर होता है, और C क्या होता है, तो इसको कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल C को कहा जाता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन यहाँ पर तो जो ऑप्शन है वह मीटर में नहीं है, तो हमको किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, तो अगर इसमें 100 से गुना करते हैं तो यह चेंज हो जाएगा किस में, सेंटीमीटर में, और हो जाएगा 3×10^10
सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं रहता तो हमको मिलाना पड़ता किलोमीटर में, किलोमीटर में बदलने के लिए मीटर में 1000 से भाग देते, ठीक है। तो हम लोग का तो अभी तो आंसर आ जाएगा 3×10^10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 3×10^10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। देखिए नौवां प्रश्न, म्यू नॉट बटा ई नॉट अंडर रूट में है का मात्रक है, न्यूटन प्रति कूलम ओम हेनरी कैलर, ठीक है, इसमें से देखते हैं। तो इसको अच्छा से समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए म्यू नॉट बटा ई नॉट का मात्रक अगर लिखेंगे, म्यू नॉट का मात्रक क्या होता है, तो म्यू नॉट का मात्रक होता है आपका, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। म्यू नॉट का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ऐसे एम्पियर, ठीक है, एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो वैद्युत धारा का मात्रक होता है। और यहाँ पर ई नॉट यानी कि इप्सिलॉन नॉट जिसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, और इसको कहते हैं निर्वात या वायु की चुंबकशीलता, ठीक है। तो ई नॉट जो है इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाते हैं तो आ जाएगा न्यूटन, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर, बटम हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर देखेंगे यहाँ पर तो रूट से बाहर निकल जाएगा न्यूटन मीटर, बटम हो जाएगा एम्पियर कूलम। अब यहाँ पर देखेंगे तो न्यूटन यानी कि बल का होता है और ये विस्थापन का होता है। देखो न्यूटन किसका होता है, तो बल का, मीटर किसका होता है, तो विस्थापन का, बल गुना विस्थापन किसका हो जाएगा, कार्य का, कार्य का क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। और ए ये हो गया, और ए से एम्पियर, सी से क्या है, कूलम है। अब देखिए जे बटा सी क्या होता है, तो बता देते हैं कि डब्ल्यू बराबर एक बताए होंगे क्यू इंटू डेल्टा वी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा डेल्टा बी बराबर यानी कि डब्ल्यू बटा क्यू, डब्ल्यू क्या है, तो इसका मतलब जूल, क्यू किसका मतलब होता है, तो कूलम, तो जूल प्रति जूल बटा कूलम किसका हो जाएगा, तो ये भी का हो जाएगा। अब भी बटा क्या हो गया, ए, ए से क्या है, तो एम्पियर, बी से क्या हो गया, विभवांतर। अब देखिए ये हो गया आपका बी भी का, आई किसका हो गया, आई का। अब भी बटा आई किसका होता है, तो आर का होता है, आर का मतलब क्या होता है, तो ओम होता है, ठीक है, आर का मतलब क्या होता है, ओम होता है, ठीक है, प्रतिरोध। तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए 10 नंबर जो प्रश्न है उसको ध्यान से समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी कह रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसको बी माना गया है, भी वेग से प्रवेश करने वाले क्यू आवेश, एक चुंबकीय क्षेत्र है कहीं पर, मान लेते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस में दिखाने का मतलब है कि लंबवत है, बोर्ड के अंदर, बोर्ड के बाहर लंबवत, बोर्ड के अंदर, ठीक है, ऐसे है, ऐसे करके बिंदु जैसा ऐसे दिखाया जाएगा, तो इसका मतलब समझना है कि बोर्ड से बाहर की ओर, इसका मतलब बोर्ड के अंदर लंब 90 डिग्री पर, ऐसे कह रहा है कि इसमें कोई भी वेग से आवेश को पर, क्यू आवेश को प्रवेश, क्यू आवेश है, ठीक है, और इसको भी वेग से फेंका जाए, ऐसे फेंका गया है, तो कह रहा है कि लॉरेंज बल क्या होगा, तो लॉरेंज बल बराबर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक यानी कि वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों को मिलाकर के कहते हैं लॉरेंज बल, ठीक है। और यहाँ पर वैद्युत बल को अनुपस्थित कर देना है, ठीक है, वैद्युत बल ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो हम केवल चुंबकीय बल, चुंबकीय बल को देखेंगे, तो चुंबकीय बल यानी कि उसी को लॉरेंज बल कहेंगे। तो ये बराबर क्या होता है, क्यू वेक्टर वी क्रॉस बी होता है, यानी कि क्यू वेक्टर वी क्रॉस बी, या इसको कह सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा, ऐसे करके होता है। थीटा क्या होता है, तो वी और बी के बीच में बना हुआ कोण होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी, तो ये आपका ऑप्शन हो गया कौन सा, बी हो गया, ठीक है। इसमें देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 आपको अपने से बनाना है, ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा वह बी होगा, आप लोग अच्छा से इसको कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।